अनुपमा अनुपमा अनुपमा, सबकी प्यारी अनुपमा। इतना नाम सुन लिया है ना मैंने ये कि बस क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। आइडिया तो मैं करने वाली हूँ लिविंग लाइक अनुपमा चैलेंज फॉर 24 आवर। इज्जत से दे देगा किसी भिखारी को। अकेले जाऊँ किसी और के साथ जाऊँ। यू आर चला ब्रो। पर औरत के हाथ में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे पता है कि आप लोगों को भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। मैं जस्ट अभी अभी सो के उठी हूँ। एनीवेज आप वीडियो को ढेर सारी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलती हूँ रेडी होने के बाद। मैंने गेटअप ले लिया बिल्कुल अनुपमा जैसा। मतलब मैं अनुपमा इतना घुस गई हूँ ना कि मैं उसी की तरह ही बिल्कुल बात कर रही हूँ। तो गाइस मैंने बिल्कुल अपनी ऐसे साड़ी पहन ली है अनुपमा स्टाइल एंड बाल बनाना बचा हुआ है और लिपस्टिक मेकअप बिल्कुल एकदम सेम है और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो हमारी रीता बहन आई है मेरा हेयर स्टाइल बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा बोल दो सबको। अपनी तरह समझाई क्या? चुप है वो एकदम। अब मैंने छोटी भी बना ली और मैं हो गई हूँ एकदम रेडी। कितना टाइम लगाती हो? मैं कब का तैयार खड़ा हूँ। मर्द के हाथ में सिर्फ शर्ट और कंघा होता है पर औरत के हाथ में साड़ी का पल्लू, स्किन केयर, मेकअप, डाइटिंग, गोरा काला पतला, घर जल्दी आने की जिम्मेदारी और इस सब के बाद भी पैरों की बेड़िया। कट कट कट। अरे भाई कट। कितनी नौटंकी करती है। हो गया तेरा, ले आए सब्जी या दाल रोटी खा के भरे। इसकी शक्ल देख के मुझे हंसी आ जाती है। ऐसा अगर पति किसी औरत का हो ना वो जहर खा के मर जाए। अबे चलना, मुझे लगता है इसी के पैरों में मेहंदी लगी होती है। रुकेगी, चेन लगाने दो। मुझे कभी कभी लगता है अपनी यहाँ नीचे की भी चेन ढंग से लगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये असली। अबे लड़का नहीं लड़की है। लीला औरत कहाँ जा रही है? अनुपमा की आत्मा अंदर राजा। अब तो जीतू गई। मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं हंसूं खेलूं बाहर जाऊं अकेले जाऊं किसी और के साथ जाऊं जैसे भी जाऊं आपको क्या? तुम्हारी तरफ से तो गोखा। चल क्या रहा है? मैं अनुपमा चैलेंज कर रही हूँ तो तूने रास्ते में मुझसे पूछ लिया क्या जा रही है कहाँ जा रही है तो मैंने इसको भी डायलॉग मार दिया। अभी तू जहाँ जा जिधर मर मुझे क्या? मुझे क्या? मुझे क्या? द्रव्य बेबी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? किसका बेबी है? द्रव्य। सब्जी लेने जाओ। गजब बेइज्जती है। अबे तेरे भी जा रहे हैं। अनुपमा के साथ शॉपिंग करने जाते हैं। मेरी स्वीटी लग रही है ना? बिल्कुल सच्ची कमेंट करके बताओ मेरे जैसी लग रही है या नहीं लग रही मेरी स्वीटी? नहीं। बाय। टाटा बोल दो सबको। टाटा। को छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह होकर दूसरी मम्मी के पास जाओ। आती नहीं है मेरे पास। बुलाती है मगा, जाने का नहीं। वापस दो मेरी बच्ची को, कोई नहीं लाएगा। मिशु 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 बाय मिशु। यहाँ हमें मिला एक जानने वाला। रूपम जी ऊपर। अरे ये तो श्रुति है। सब्जी सब्जी लेने जा रहे हैं, चले। सब्जी लेने। गजब बेइज्जती है। अब हम जा रहे हैं सब्जी लेने, हमारे साथ चलोगे? चलना तो पड़ेगा ही। अब चलो मार्केट चले। चलो चलो भाई। ओ सॉरी, ये तो पति है। चल पूछा पूछा मैंने कुछ। अब मैं चली सब्जी लेने अनुपमा स्टाइल में। आप हमेशा झूठ बोलते ना, ऐसे बोलते 120 का फिर बोलोगे 100 का फिर ऐसे। यू आर चालाक ब्रो। सलीपा 150 रुपए किलो देगा, लेना है तो ले वरना नहीं। किलो आधा किलो। अंकल से अपनी ऑडियंस को हाई बुलवाओ क्या? भैया कितने रुपए किलो सीताफल? सीताफल 160। ऐसे रिएक्शन ये दे रही है। 160 में हमारी पूरे हफ्ते की सब्जी आएगी भैया। हाय बोल दो, ये सब्जी भी खरीदती है अच्छी बच्ची और भाव बिल्कुल नेगोशिएट करके दे रही है। नाम बता। मोहम्मद जीशान। मोहम्मद जीशान।
यहाँ पे तो बहुत ज्यादा भीड़ है, तो अब हम सोच रहे हैं कि तिलक भैया से ही खरीद ले सब्जियाँ। थैंक यू भैया। यू वेलकम। यार मुझको देख के लोग सब हंस रहे हैं। बेटा घर चली जा, घर पागल है क्या? कौन हंस रहा है बे? घर चलाओ, घर चलाओ। हम बाजार गए थे हैं सब्जी लेने, पर वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हम शूट ही नहीं कर पाए, तो इसीलिए हमने तिलक भैया को ही सब्जी वाला बना दिया। अब हम इन्हीं से सब्जी खरीद लेंगे। भैया ये कितने का दिया? 50 रुपए। 50 रुपए? ये मैं 20 रुपए का लेके गई थी। 20 रुपए में तुम्हें धन भी मिलेगा, धन भी मिलेगा। ये बहुत अच्छा सब्जी बेचते हैं, ले लीजिए। देखिए ताजा ताजा है, पर ये बहुत महंगी सब्जी दे रहे हैं 50 रुपए की। आपके लिए 50 रुपए कुछ नहीं होंगे, पर इनके लिए है। मेरा बॉयफ्रेंड पैसे जलाने के लिए नहीं कमाता है, मैं हर चीज मोल भाव करके लेती हूँ। हर चीज? हाँ हर चीज। वो घर पे जो 800 रुपए का पिज्जा मंगा रखा था। यार ये पिज्जा मंगा के खा देंगे। पिज्जा कौन खाता है पिज्जा? वो घर पे जो 800 रुपए का पिज्जा मंगा के खाती हो, उसमें मोल भाव करती हो तुम? अपनी कुछ जाती सुन के नहीं खाती। उनका मूड खराब है तो क्या हम पे नहीं खा लेंगे? 1,000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 ,
बदतमीज। वो घर पे जो 800 रुपए का पिज्जा मंगा के खाती हो उसमें भी मोल भाव करती हो आप। और ये जो आपने बैग लिया है ये 1000-2000 का तो होगा ना, इसमें मोल भाव किया था आपने। और ये जो हाथ में कॉपी लिया है इसका 200-300 की तो होगी ना। हर मोल भाव, हर चीज गरीब के साथ ही क्यों? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है भैया। 10 रुपए के टमाटर दे। तो कैसी लगी हमारी एक्टिंग नकली अनुपमा की बताओ। और ब्रो तुम भी तो गरीब के साथ सारे टमाटर लेके भाग रही है, ये देखो गाइस। वो भी 10 रुपए के। यार अब जितने अब औकात के हिसाब से इंसान बात करता है ना, तो हमने कर लिया अपने औकात। इसके कैमरे के बाद बोलेगी भैया फ्री में दे दो। सर मैं ना भी मक्खन लगाने आए थे मेरे साथ। मक्खन पाव भाजी बन रही है यहाँ पे। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। चुप कर मुंह बंद। प्रेम जी जी कैसे लग रही हो दिखाना। क्या जाती हो बाप बर्तन पे रूम दे। आपका कैमरा कोई इंस्टाग्राम रील नहीं है, कोई यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं है, कोई बायोस्कोप नहीं है जो मैं ताकत जाके करूंगी। मैं एक औरत हूँ और औरत का जन्म सिद्ध अधिकार होता है अपनी फोटो देखना। और तू क्या हंस रहा है? बंद करो बंद करो बंद करो, हाथ जोड़ के मैं इसको आज आप मुझे बताओ ये आपके फोन में मुझे जरा भी पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं है, मैं भूल गई मुझे क्या बोलना था। मुझे क्या बोलना था, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बस इस कैमरे में देखना, दिखा दो यार। प्रेम जी जी तो हमारे इतने सीधे कि मेरा प्रेम जी जी तो हमारे इतने सीधे कि मेरा भगा मैंने भगा दिया प्रेम जी जी को। क्या यार क्या छीन लिया, लो प्रेम जी जी लो वापस आपकी अमानत। मैंने भगा दिया उनको भी, मजा आ रहा। अब हम आ गए सस्ती अनुपमा को लेकर ऑफिस। ओए सैलरी आ गई क्या, कितनी है? बॉस तो ऐसे सैलरी देते हैं जैसे हम भिखारी हैं। वैसे भिखारी तो है बट मंदिर के बाहर बैठ के जैसे कंबल बांटते हैं ऐसे बांटते हैं हमको सैलरी में। और मैं देखो वो कोई रिएक्ट कुछ रिएक्ट नहीं कर रही। तेरी इतनी बुलंद आवाज तुमको सुनाई कैसे नहीं दे रही रिमानी? मैंने जानबूझ के अपने लैपटॉप की आवाज को बुलंद कर लिया ताकि मैं ये ना सुन पाऊं। बॉस तो ऐसे एहसान जता के सैलरी देते हैं जैसे एक एम्प्लॉई। आंसू आने वाले मेरे, आ नहीं रहे वैसे, ऑफ कैमरा आ जाते हैं। मंदिर के नीचे बैठ के भिखारी यार ये सब हंस रहे हैं मुझे देख के। कई बार तो ऐसे मेहरबानी करके सैलरी देते हैं जैसे किसी इज्जत से दे देगा किसी भिखारी को। हमारे हाथ में तो अरे कहना क्या चाहते हो, सच
सच्ची भावना निकल सकती है। आंसू जो है इस बार रियल है, कोई बिल्कुल फेक नहीं है, समझ आई बात? नो नो भैया, ये सब स्क्रिप्टेड था, कांचो ने बुलवाया, मैंने कुछ नहीं बोला, आई स्वेयर ऑन मेरा मुंह साल निकल गई मेरी जबान टूट। गाइस प्लीज बताओ सबमिंदी की एक्टिंग कैसी लग रही है आपको, ये सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आप लोग ही बता सकते हो। तो आपको हमारे ये चैलेंज कैसे लगा हमें ये भी बता देना, यहाँ पे हम अपनी वीडियो कर रहे हैं। तो ढेर सारी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बोल दो यार फैंटेसी होती ना ऐसे लड़की लड़कों से पैर वैर दबाना यार, दबा यार कैमरे के लिए तो दबा दे, पत्ते नहीं दाब रही पहले पे औरत से पैर पे हाथ लगवाता है, बेशरम आपकी आग मिलने कर जाए।